नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डेली इनपुट्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम परसेंटेज चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। यह है परसेंटेज का पार्ट 4 और इसी वीडियो में हम परसेंटेज चैप्टर को खत्म करेंगे। ओके, इससे पहले मैंने परसेंटेज के ऊपर 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आप मिस कर गए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां जाके आप पिछले 3 पार्टों को देख सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, मैं जो जो चीजें आपको यहां पर सिखा रहा हूं, आप हर एक चीज को अपनी नोटबुक में कॉपी जरूर करो, क्योंकि ये सारी कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, एग्जांपल्स, सब कुछ आपकी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज चैप्टर का आखिरी भाग, पार्ट 4। अच्छा दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, पहले उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, फिर उसके बराबर में ऐसा एक बेल आइकन आएगा, उसके ऊपर भी जरूर क्लिक करना। इससे क्या होगा कि डेली जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तब सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आपको ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। अच्छा दोस्तों, शुरू में एक छोटा सा करेक्शन आपको बता दूं, परसेंटेज सीरीज के पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 16 में एक्सप्लेन करते समय एक छोटी सी गलती हो गई थी। आंसर वहां पे भी ठीक आया था, लेकिन एक्सप्लेनेशन में एक छोटी सी गलती हो गई थी। तो चलो पहले क्वेश्चन नंबर 16 को एक और बार देख लेते हैं। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। एक छात्र को बोला गया था कि किसी एक नंबर के साथ 5/3 को मल्टीप्लाई करो, लेकिन उसने गलती से 3/5 गुना किया। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन? तो उसके आंसर में एरर कितना है वो हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, तो उस छात्र को बोला गया था, टोल्ड टू मल्टीप्लाई 5/3, 5/3 गुना करने के लिए बोला गया था, लेकिन उसने किया क्या? ही डिड 3/5, उसने 3/5 मल्टीप्लाई किया। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले हम एक नंबर ढूंढ लेते हैं जिसके साथ 5/3 गुना करने के लिए बोला गया था, लेकिन 3/5 गुना किया। उस नंबर को हम कैसे ढूंढेंगे? देखो, डिनोमिनेटर में 5 और 3 है, तो सिंपल आप एलसीएम करो 5 और 3 का, आएगा 15। तो ये मानकर चलते हैं कि 15 के साथ 5/3 गुना करने के लिए बोला गया था, लेकिन उसने 15 के साथ 3/5 गुना किया। तो 15 के साथ अगर वो करेक्टली 5/3 गुना करता तो रिजल्ट आता 3/5 = 15, मतलब 25। लेकिन उस छात्रों ने 15 के साथ गुना किया 3/5, जिससे उसका रिजल्ट आया 9। तो दोस्तों, नंबर लाइन में देखो एरर कितना है, यहां पर है 25, लेकिन उसका रिजल्ट आया 9, मतलब इतने का एरर है। तो इसको परसेंटेज में हम कैसे लिखेंगे? अच्छा, 25 हमारा डिनोमिनेटर में होगा, मतलब बेस वैल्यू होगा, क्योंकि अगर सही से 5/3 गुना करता तो 25 आता, तो नीचे है 25 और ऊपर क्या होगा, ये जो डिफरेंस है 25 - 9, दैट इज 16, इतने का डिफरेंस है, इनटू 100, 25 4, मतलब 64%। ओके, तो उस छात्र के कैलकुलेशन में परसेंटेज एरर है 64%। ओके, तो दोस्तों ये रही कॉन्सेप्ट, क्लियर है? अब चलो आगे बढ़ते हैं, आज का पाठ शुरू करते हैं। अच्छा, पिछले 3 भागों में हमने 30 एग्जांपल्स प्रैक्टिस किए हैं, सो आज हम 31 से स्टार्ट करेंगे। इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल रोज बाय 25% एवरी ऑड ईयर एंड फेल डाउन बाय 20% एवरी इवन ईयर, देन व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज आफ्टर 180 ईयर्स? यदि किसी आर्टिकल की कीमत हर ऑड ईयर में 25% बढ़ती है और हर इवन ईयर में 20% गिरती है, तो 180 वर्षों के बाद उस आर्टिकल की कीमत परसेंटेज में क्या बदलाव होगा, ये हमें ढूंढना है। ओके, अच्छा दोस्तों, सपोज ये मानकर चलते हैं उस आर्टिकल की इनिशियल प्राइस है 100 रुपए। ओके, सो आफ्टर 1 ईयर उस आर्टिकल का प्राइस होगा 25% बढ़ेगी, मतलब 125, 25% इंक्रीज हुआ है।
अच्छा, दूसरे साल के बाद आफ्टर टू ईयर 125 की 20% गिरेगी। अच्छा, 125 का 20% रिड्यूस हुआ, मतलब अब प्राइस है 125 × 20% रिड्यूस, मतलब 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 100। मतलब आफ्टर सेकेंड ईयर उस आर्टिकल की कीमत है 100। सिमिलरली थर्ड ईयर के बाद फिर से 125 होगा और फोर्थ ईयर के बाद फिर से 20% रिड्यूस होगा, 125 का 20% रिड्यूस मतलब फिर से 100 हो जाएगा। तो देखो, वन क्या है, वन है ऑड नंबर, ओके, और टू क्या है, टू है इवन नंबर। मतलब ऑड ईयर के बाद 125 हो रहा है और इवन ईयर के बाद 100 हो रहा है, तो 180 ईयर के बाद क्या होगा, आफ्टर 180 ईयर, 180 क्या है, 180 एक इवन नंबर है और इवन नंबर के बाद 100 हो रहा है, मतलब 180 ईयर के बाद 100 रुपए उसकी कीमत होगी, ओके। तो इनिशियली उस आर्टिकल की मूल्य थी 100 रुपीज और 180 ईयर के बाद भी उसकी मूल्य है 100 रुपीज, मतलब नो परसेंटेज चेंज, ओके। ये दोस्तों बहुत ही ट्रिकी सवाल है और इस टाइप के सवाल एग्जाम में ज्यादा पूछते हैं, ओके। तो ठीक से सवाल को समझना और कंसेप्ट बिल्डअप करना, ओके। अच्छा, नेक्स्ट, काजोल वेंट टू अ फ्रूट मार्केट विद सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। कुछ पैसा लेकर काजल फल बाजार गई। विद द मनी शी हैज शी कैन बाई आइदर 40 एप्पल्स और 70 मैंगोज। उसके पास जो पैसे हैं उससे वो आइदर 40 सेब या 70 आम खरीद सकती है। शी रिटेन्स 15% ऑफ हर मनी फॉर ऑटो फेयर। ऑटो फेयर के लिए वो अपना 15% पैसा रखती है। इफ शी बाइज 35 मैंगोज, हाउ मेनी मोर एप्पल्स कैन शी बाई। तो अगर वो 35 आम खरीदती है तो बाकी पैसों से वो कितने सेब खरीद सकती है। अच्छा, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, सपोज 100 रुपए लेकर काजोल घर से निकली। इन 100 रुपए से काजोल आइदर 40 सेब खरीद सकती है या तो 70 मैंगो खरीद सकती है, ओके। अच्छा, उसका खर्च कहां पर हुआ, ऑटो फेयर 15%। तो 100 रुपए लेकर निकली, उसका 15% मतलब 15 रुपए ऑटो फेयर के लिए रखी है और 35 आम खरीदी है। देखो, 70 आम 100 रुपए है, इसका आधा 35 आम, 35 मैंगो 50 रुपए, तो 50 और 15 ऐड करके आएगा 65। मतलब ऑटो फेयर और 35 आम खरीदने में काजोल का 65 रुपए खर्च हुआ, तो रिमेनिंग कितना है, 100 माइनस 65 दैट इज 35। काजोल के पास अब 35 रुपए है, इन 35 रुपए से वो कितने सेब खरीद सकता है, ये हमें निकालना है। अच्छा, 100 रुपए में काजोल 40 सेब खरीद सकती है, तो 100 रुपए में 40 सेब, ओके। तो हमें निकालना है 35 रुपए में वो कितने सेब खरीद सकती है, तो 1 रुपए में 40/100 सेब और 35 रुपए में 40/100 इंटू 35, 22 × 25, 5×7 मतलब 14, 14 एप्पल्स, ओके। तो जितने पैसे लेकर काजल निकली थी उससे 15% ऑटो फेयर और 35 आम खरीदने के बाद बचे पैसों से वो 14 सेब खरीद सकती है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट, अमन गेव 40% अमाउंट ही हैड टू रोहन। अमन ने 40% अमाउंट रोहन को दी। रोहन इन टर्न गेव 1/4 ऑफ व्हाट ही रिसीव्ड फ्रॉम अमन टू साहिल। अमन से मिली राशि से 1/4 हिस्सा रोहन ने साहिल को दिया। आफ्टर पेइंग ₹200 टू द टैक्सी ड्राइवर आउट ऑफ द अमाउंट ही रिसीव्ड फ्रॉम रोहन, साहिल हैज नाउ ₹600 लेफ्ट विथ हिम, देन हाउ मच अमाउंट डिड अमन हैव।
रोहन से मिली राशि से 200 रुपए टैक्सी ड्राइवर को देने के बाद साहिल के पास अब 600 रुपए बचे हैं। तो हमें निकालना है अमन के पास कितनी राशि थी। ओके, अच्छा तो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले देखो फर्स्ट नाम क्या है अमन का, तो मान लेते हैं अमन के पास 100 रुपए थे। ओके, तो इसका 40% अमाउंट अमन ने रोहन को दी, मतलब रोहन के पास है 40% ऑफ x और इस अमाउंट का 1/4 रोहन ने साहिल को दी, तो साहिल के पास है 1/4 ऑफ 40% ऑफ x, 4 × 10^40 मतलब 10% ऑफ x, यह है साहिल का अमाउंट। तो इतना पैसा साहिल के पास है। तो देखो 10% ऑफ x मींस यह है साहिल का अमाउंट, इससे वो 200 रुपए टैक्सी ड्राइवर को दिया और अभी भी उसके पास 600 रुपए बचे हैं, मतलब 10x ऑफ x मींस ₹800। ओके, तो x मींस 800 बाय 10 इंटू 100 जीरो 8000 रुपीस। ओके, मतलब शुरू में अमन के पास 8000 रुपए थे। क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, ये थोड़ी ट्रिकी सवाल है, पहले क्वेश्चन को ठीक से समझो। 5/9 पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन अ विलेज आर मेल्स, इफ 40% ऑफ द मेल्स आर मैरिड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड फीमेल्स इन द टोटल पॉपुलेशन। एक गांव में आबादी का 5/9 हिस्सा पुरुष है, मेल्स है। यदि 40% पुरुष मैरिड है तो कुल आबादी में अनमैरिड महिलाओं का परसेंटेज हमें निकालना है। अच्छा, कुल आबादी का 5/9 हिस्सा पुरुष है, तो मेल है 5 और टोटल पॉपुलेशन है 9, मतलब फीमेल्स है 9 - 5 = 4। अच्छा, यहां पर बहुत ध्यान से सुनो, 5 में से 2 पुरुष विवाहित है, इसका मतलब है 2 महिला भी विवाहित है, क्योंकि एक पुरुष के शादी के लिए एक महिला की जरूरत है। सो 5 में से 2 पुरुष विवाहित है और 4 में से 2 महिला भी विवाहित है। ओके, तो 4 में से 2 महिला विवाहित है, तो अनमैरिड फीमेल्स है 4 - 2 = 2 और हमें निकालना क्या है, कुल आबादी में अनमैरिड फीमेल्स का परसेंटेज। तो कुल आबादी है 9 जिसमें 2 महिला अनमैरिड है इंटू 100, तो ये आ गया 200/9%, दैट मींस 22.2%। ओके, तो कुल आबादी में अनमैरिड महिलाओं का परसेंटेज है 22.2%। ये दोस्तों बहुत ही ट्रिकी सवाल है, आपको ठीक से कॉन्सेप्ट समझना है। ओके, 2 पुरुष अगर शादीशुदा है तो 2 महिला भी शादीशुदा होगी, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मदन पेज इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 10%। मदन अपनी कुल कमाई का 10% इनकम टैक्स पे करता है। इफ हिज इनकम टैक्स इंक्रीज्ड बाय 10% एंड हिज टैक्स रेट इंक्रीज्ड बाय 15%, हिज नेट इनकम वुड इंक्रीज बाय ₹350। व्हाट इज मदन्स इनकम? यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि हुई और उसका इनकम टैक्स बढ़कर 15% हो गए, तो उसकी नेट इनकम में ₹350 की वृद्धि होगी। तो हमें निकालना है मदन की प्रेजेंट आय क्या है। क्लियर? अच्छा दोस्तों, इस टाइप के मैथ्स में आप सबसे पहले लिख लो इनकम, टैक्स, और इनकम से टैक्स रिड्यूस होकर जो आएगा वो है नेट इनकम। ओके, तो ये मानकर चलते हैं मदन का प्रेजेंट आय है ₹100 और अब वो 10% टैक्स पे करता है। ओके, 10% टैक्स पे करता है, तो नेट इनकम क्या है, 100 का 10% टैक्स मतलब ₹10, तो 100 - 10 दैट इज
₹90 उसका नेट इनकम है, प्रेजेंट नेट इनकम। अच्छा, यदि उसकी आय में 10% वृद्धि होती है, मतलब 100 से बढ़कर 110 हो जाएगा, और इनकम टैक्स बढ़कर 15% होता है, तो अब नेट इनकम क्या होगा? तो 110 से 15% रिड्यूस करो, मतलब 110 इंटू 0.85 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 93.5। तो इससे मदन की नेट इनकम होगी 93.5। तो कितने की वृद्धि होगी? 3.5 यूनिट की। और सवाल में देखो, ₹350 की वृद्धि होगी, मतलब 3.5 यूनिट इज इक्वल टू ₹350। और हमें निकालना क्या है? मदन की प्रेजेंट इनकम, मतलब 100 यूनिट निकालना है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 350 बाई 3.5, और 100 यूनिट इज इक्वल टू 350 बाई 3.5 इंटू 100, तो ये आ गया 100, तो आएगा 10000, मतलब ₹10,000। ओके, तो दोस्तों मदन की प्रेजेंट आय है ₹10,000। एग्जाम में सवाल हमेशा आसान रहता है दोस्तों, आपको जस्ट प्रॉपरली दिमाग का इस्तेमाल करना है, ठीक है? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा नेक्स्ट, इन अ होटल 60% हैड वेजिटेरियन लंच व्हाइल 30% हैड नॉन वेजिटेरियन लंच एंड 15% हैड बोथ टाइप ऑफ लंच। एक होटल में 60% लोगों ने लंच में वेज लिया, 30% लोगों ने नॉन वेज लिया, और 15% लोगों ने वेज और नॉन वेज दोनों ही प्रकार का लंच लिया। इफ 96 पीपल वर प्रेजेंट, हाउ मेनी डिड नॉट ईट आइदर टाइप ऑफ लंच? अगर होटल में 96 लोग मौजूद थे तो हमें निकालना है कितने लोगों ने वेज और नॉन वेज किसी भी प्रकार का लंच नहीं खाया। ओके अच्छा दोस्तों, इस टाइप के मैथ्स को हम वेन डायग्राम के माध्यम से बहुत इजीली कर सकते हैं, बट नॉनसेंस बैकग्राउंड के मैक्सिमम स्टूडेंटों को वेन डायग्राम आता नहीं, इसलिए मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला से कर रहा हूं। आप सिर्फ फॉर्मूले में किस टर्म का मतलब क्या है वो समझ लो, और क्वेश्चन से डेटा लेकर जस्ट फॉर्मूले में पुट कर दो। ओके अच्छा, तो चलो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले देखो कितने लोग वेज लंच खाया, नंबर ऑफ वेज, इसे हम एन ऑफ ए लिखेंगे, दैट इज टोटल 96 लोग, इसका 60%। ओके यहां पर है 60%, तो 00, 2 3 6, 2 5 10, मतलब 288/5। और कितने लोग नॉन वेज लंच खाया, नंबर ऑफ नॉन वेज, इसे हम लिखेंगे एन ऑफ बी, दैट इज टोटल 96, इसका 30%, तो 30/100, 00, यह 48, यह है 5, तो रिजल्ट आएगा 144/5। अच्छा, और कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने वेज और नॉन वेज दोनों ही प्रकार का लंच खाया, यह 15%, तो बोथ को हम लिखेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यह इंटरसेक्शन साइन, इसका मतलब है बोथ, तो यह आएगा 96 इंटू 15/100, 5 3 15, 520, और 4 5 20, 424, तो 24 3 72/5। तो दोस्तों एन ऑफ ए है 288/5, एन ऑफ बी मतलब नंबर ऑफ नॉन वेज है 144/5, और बोथ टाइप का मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 72/5। अब दोस्तों हमें निकालना है कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने एटलीस्ट लंच खाया, वेज भी खा सकते हैं, नॉन वेज भी खा सकते हैं, बोथ टाइप्स भी खा सकते हैं, मतलब एटलीस्ट कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने लंच खाया, उसे हम लिखते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी,
ये यूनियन साइन मतलब आइदर और बोथ टाइप ऑफ लंच, एक भी हो सकते हैं दोनों प्रकार भी हो सकते हैं। एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यह है आपका फॉर्मूला। ओके, अब सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर दो, एन ऑफ ए है 288/5 प्लस एन ऑफ बी है 144/5 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 72/5। ये दोस्तों प्लस माइनस करके आएगा 360/5 दैट इज 72। ओके, तो दोस्तों 72 ऐसे लोग हैं जिन्होंने आइदर वेज लंच खाया, नहीं तो नॉन वेज लंच खाया, नहीं तो दोनों ही प्रकार का लंच खाया। ओके, सो फाइनली हमें निकालना क्या है, हाउ मेनी डिड नॉट ईट आइदर टाइप ऑफ लंच, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने लंच ही नहीं खाया। ओके, अब तो सिंपल हो गया, तो नीदर टाइप ऑफ लंच कितने होंगे, 96 है टोटल नंबर ऑफ पीपल माइनस 72 कर देंगे क्योंकि 72 ऐसे लोग हैं जिन्होंने एटलीस्ट लंच खाया, तो टोटल से अगर 72 माइनस करेंगे तो आएगा 24। ओके, तो 24 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ भी टाइप का लंच नहीं खाया। क्लियर है दोस्तों? ओके, तो नॉनसेंस बैकग्राउंड के स्टूडेंटों के लिए ये नई कॉन्सेप्ट है, बट घबराओ मत, एकदम सिंपल फॉर्मूला है, आप सिर्फ टर्म्स का मतलब समझ लो और क्वेश्चन से डेटा पुट कर दो। ओके, अच्छा नेक्स्ट 37। द वेट ऑफ द कंटेनर अलोन इज 25% ऑफ द कंटेनर फिल्ड विद अ सर्टेन लिक्विड, एक अकेले कंटेनर का वजन, लिक्विड से भरा कंटेनर का वजन का 25% है। व्हेन सम लिक्विड इज रिमूव्ड द वेट ऑफ द कंटेनर एंड द रिमेनिंग लिक्विड इज 50% ऑफ द ओरिजिनल टोटल वेट, देन व्हाट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लिक्विड हैज बीन रिमूव्ड। थोड़ा लिक्विड निकालने के बाद कंटेनर और बचा लिक्विड का वजन, पहले कंटेनर प्लस लिक्विड का जो वजन था उसका 50% है, यानी आधा है, तो कितना फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड निकाला गया है वो हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा, तो दोस्तों अकेले कंटेनर का वजन है 25%, इसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/4, तो डिनोमिनेटर में जो 4 यूनिट है ये है कंटेनर प्लस लिक्विड और ऊपर जो 1 है ये है कंटेनर का वजन। ओके, तो दोस्तों पहले कंटेनर प्लस लिक्विड का वजन था 4 यूनिट और कंटेनर का वजन था 1 यूनिट, तो यहां से हम पहले कितना लिक्विड था वो हम निकाल सकते हैं, कैसे, 4-1 दैट इज 3 यूनिट, पहले लिक्विड था 3 यूनिट। अब सवाल में कहा गया थोड़ा लिक्विड निकालने के बाद लिक्विड प्लस कंटेनर का वजन ओरिजिनल लिक्विड प्लस कंटेनर का वजन का 50% है, मतलब न्यू कंटेनर प्लस लिक्विड इज 4.5 मतलब 2 यूनिट। अच्छा दोस्तों, इसमें कंटेनर का वजन तो चेंज नहीं हो सकता ना, क्योंकि लिक्विड हम ऐड या रिमूव करके कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन कंटेनर का वजन तो कांस्टेंट है, तो न्यू लिक्विड हम कह सकते हैं 2 माइनस कंटेनर का वजन है 1 यूनिट, तो 2-1 दैट इज 1 यूनिट, न्यू लिक्विड है 1 यूनिट, तो पहले लिक्विड था 3 यूनिट और न्यू लिक्विड है 1 यूनिट, तो हमें निकालना क्या है, व्हाट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ लिक्विड हैज बीन रिमूव्ड, तो एल रिमूव्ड, लिक्विड रिमूव्ड बाय लिक्विड ओरिजिनल, रिमूव हुआ 3-1 बाय ओरिजिनल लिक्विड था 3 यूनिट, मतलब 2/3 इतना लिक्विड रिमूव हुआ। ओके दोस्तों, तो लिक्विड का 2/3 हिस्सा निकाला गया है। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट, प्राइसेस रजिस्टर एन इंक्रीज ऑफ 10% ऑन फूड ग्रेन्स एंड 20% ऑन अदर आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर,
फूड ग्रेन्स का खर्च 10% भरी है और अन्य वस्तुओं का खर्च 15% भरी है। इफ द रेशियो ऑफ एन एम्प्लॉयज एक्सपेंडिचर ऑन फूड ग्रेन्स एंड अदर आइटम्स बी 2:5, बाई हाउ मच शुड हिज सैलरी बी इंक्रीज्ड इन ऑर्डर दैट ही मे मेंटेन द सेम लेवल ऑफ कंजम्पशन एज बिफोर हिज प्रेजेंट सैलरी बींग रूपीज 2590। फूड ग्रेन्स और अन्य वस्तुओं पर एक एम्प्लॉय का खर्च का अनुपात अगर 2:5 है तो पहले की तरह कंजम्पशन सेम रखने के लिए उस एम्प्लॉय की सैलरी में कितनी वृद्धि होनी होगी, और दिया हुआ है कि उस एम्प्लॉय का वर्तमान सैलरी है 2590 रुपए। अच्छा, तो फूड ग्रेन्स और अन्य वस्तुओं का खर्च का अनुपात है 2:5, मतलब फूड ग्रेन्स है 2/7 और अदर आइटम्स है 5/7। ओके, अच्छा, तो एक्सपेंडिचर ऑन फूड ग्रेन्स कितना है? टोटल सैलरी है 2590, इसका 2/7 हिस्सा, मतलब 370 into 2, दैट इज 740। अच्छा, एक्सपेंडिचर ऑन अदर आइटम्स कितना है? 2590 टोटल सैलरी इंटू 370 इंटू 5, दैट इज 1850। अच्छा दोस्तों, प्राइस इंक्रीज होने से पहले फूड ग्रेन्स का एक्सपेंडिचर था 740 और अदर आइटम्स का एक्सपेंडिचर था 1850 रुपए। बाद में फूड ग्रेन्स के मूल्य 10% बढ़ी है। अच्छा, तो न्यू प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स दैट इज 740 इंटू 10% इंक्रीज हुई है, मतलब 1.1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 814 रुपए। और न्यू प्राइस ऑफ अदर आइटम्स दैट इज 20% इंक्रीज हुई है, मतलब 1850 इंटू 20% इंक्रीज दैट इज 1.2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 2220। तो फूड ग्रेन्स और अन्य वस्तुओं के पीछे न्यू टोटल एक्सपेंडिचर, न्यू टोटल दैट इज 814 प्लस 2220 दैट इज 3034 रुपीज। ओके, अच्छा दोस्तों, उस एम्प्लॉय की सैलरी है 2590 रुपए और टोटल खर्च हो रहा है 3034 रुपए, तो पहले की तरह कंजम्पशन सेम रखने के लिए उस एम्प्लॉय की सैलरी में कितनी वृद्धि होनी होगी? सो इंक्रीज इज इक्वल टू 3034 माइनस प्रेजेंट सैलरी है 2590 दैट इज 444 रुपीज। ओके, 444 रुपए। तो दोस्तों आंसर क्या हुआ? पहले की तरह कंजम्पशन सेम रखने के लिए उस एम्प्लॉय की सैलरी में 444 रुपए वृद्धि होनी होगी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, अ सेल्समैन इज अलाउड 9% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम एंड अ बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स ओवर 20,000। एक सेल्समैन को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पर 9% कमीशन और 20,000 रुपए से अधिक बिक्री पर 1% बोनस दिया जाता है, मतलब अप टू 20,000 रुपीज तक 9% कमीशन और 20,000 से अधिक अमाउंट पर 1% एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है, यानी 20,000 के अधिक अमाउंट पर 10% पैसा मिलता है। इफ द टोटल अर्निंग ऑफ द सेल्समैन इज ₹6,800, फाइंड द टोटल सेल्स। यदि सेल्समैन की कुल कमाई है 6,800 रुपए तो उसकी कुल बिक्री का हमें पता लगाना है। ओके, अच्छा दोस्तों, पर्टिकुलर इस टाइप का सवाल सॉल्व करने का एक स्पेसिफिक ट्रिक है। आपको बस ये मान के चलना है कि 20,000 की बिक्री पर ही 10% कमीशन प्लस बोनस मिल रहा है, मतलब सिंप्लीफाई कर लिया, जो भी सेल्स है उसके ऊपर 10% है, यानी
1%, बोनस और 9% कमीशन। ओके, तो दोस्तों 20,000 का 1% है ₹200। अच्छा, सवाल में है सेल्समैन की टोटल अर्निंग है ₹6,800। लेकिन हमेशा याद रखना, सवाल में जब टोटल अर्निंग दिया जाएगा उसमें बोनस एडेड नहीं है। ओके, हमें अलग से बोनस ऐड करना है क्योंकि बोनस एक तरह का गिफ्ट है। तो टोटल अर्निंग विथ बोनस इज इक्वल टू 6,800 प्लस 200, यह है बोनस 200, तो आएगा 7,000। ओके, तो सेल्स का 10% इज इक्वल टू 7,000। ठीक है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि सेल्समैन को कुल बिक्री के ऊपर 10% मिल रहा है। ओके, तो टोटल सेल्स है 7,000 इंटू 100 बाई 10, दैट इज 70,000। ओके, तो दोस्तों सेल्समैन की कुल बिक्री है ₹70,000। क्लियर, बहुत ध्यान से इस टाइप को समझना। और जैसे मैंने शुरू से ही पूरी सेल्स के ऊपर 10% ले लिया, वैसे ही अब करना। ओके, ठीक है, तो चलो अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, यह है आज का और पूरी सीरीज का लास्ट सवाल। 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स। दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव हुआ जिसमें 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। 10% ऑफ द वोट्स पोल्ड वेर फाउंड इनवैलिड। मतदान के 10% वोट इनवैलिड पाए गए। द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स गॉट 54% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड ओन बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 1620 वोट्स। विनिंग कैंडिडेट को वैध मतों का 54% मिला और 1620 मतों के बहुमत से जीता। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड ऑन द वोटर्स लिस्ट। तो वोटर्स लिस्ट में टोटल कितने वोटर्स है वो हमें निकालना है। अच्छा, सपोज करो वोटर्स लिस्ट में टोटल 100 वोटर्स का नाम है, इनमें से 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, तो यहां से 10% माइनस कर दो तो आएगा 90। तो इतने लोग अपने वोट डाले हैं। ओके, और 90 में से 10% वोट इनवैलिड है, तो नंबर ऑफ वैलिड वोट है 90 का 10% मतलब 9, तो 90 माइनस 9 इज 81। ओके, तो ये है नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। अच्छा, विनिंग कैंडिडेट को वैलिड वोट का 54% मिला, तो 54% ऑफ 81 विनिंग कैंडिडेट को इतना वोट मिला। ठीक है, बाकी जो 46% वोट है ऑफ 81 ये गया लूजिंग कैंडिडेट के पास। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में वोटिंग डिफरेंस कितने का है, 54 46, मतलब 54 माइनस 46 इज 8, तो 8% ऑफ 81 ये वोटिंग डिफरेंस। और सवाल में देखो विनिंग कैंडिडेट और लूजिंग कैंडिडेट के बीच में वोटिंग डिफरेंस है 1620 का, तो यहां से हम लिख सकते हैं 8% ऑफ 81 इज इक्वल टू 1620। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, वोटर्स लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, तो 100 कितने का बराबर है वो निकालेंगे। एक है 1620 बाई 81 इंटू 8%, मतलब 100 बाई 8, और 100 कितने का बराबर है 1620 बाई 81 इंटू 100 बाई 8 इंटू 100, ये कट गया 20, 4 2 8, 4 5 20 और यहां पर 50, जो मल्टीप्लाई करके आएगा 25,000। ओके, तो वोटर्स लिस्ट में टोटल 25,000 वोटर्स है। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों ये था आज का पूरा लेक्चर, और इसी लेक्चर के साथ आज हम पूरा परसेंटेज चैप्टर को खत्म कर रहे हैं। और अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली मुझसे पूछे। ओके,
और नेक्स्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर शुरू करेंगे अगले वीडियो से, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस बटन के ऊपर फटाफट क्लिक कीजिए और इसके बराबर में एक बेल आइकन आएगा इस तरह का, उस पे भी आप जरूर क्लिक करना ताकि इस चैनल में जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एनीवे, अच्छा लगा तो आपका काम है सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट में अपना रिव्यू डालना। उसके बाद फेसबुक, व्हाट्सएप में जितने सारे एक्टिव ग्रुप्स है वहां आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को प्लीज शेयर करें। सो गाइज, होप यू एंजॉयड द वीडियो। और इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो वो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड फॉलो डेली इनपुट्स रेगुलरली। बिलीव मी, क्रैकिंग एग्जाम वॉज नेवर सो इजी बिफोर।